हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपका दोस्त और होस्ट ऑलराउंडर गेमिंग। तो गाइस, आज का पहला न्यूज है विंटर मास्टर टूर्नामेंट के बारे में। तो कल इस टूर्नामेंट का हुआ था ग्रैंड फाइनल और इस ग्रैंड फाइनल में चैंपियन बने टीम गॉडलाइक। तो हमारे तरफ से उनके टीम को मेनी कांग्रेचुलेशन। हमारा अगला न्यूज है टीम केओस के टीममेट के बीच चल रहे कंट्रोवर्सी के बारे में। तो कल ही हमने आपको ये बताया था कि टीम केओस के टीममेट के बीच क्या कंट्रोवर्सी चल रहा है और किस बात के वजह से ये कंट्रोवर्सी शुरू हुआ था। तो अभी ये सब होने के बाद इसके ऊपर फिर से टीम केओस के स्कैरी गेमर और टीसी सुपरमैन ने इसके ऊपर रिप्लाई दिया। वैसे ये सब रिप्लाई उन लोगों ने पहले जो दिया था उसके जैसे ही था, यानी कि दोनों साइड के तरफ से एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन चल रहा था। और इसके अलावा ये लगता है कि शायद ये कंट्रोवर्सी दोनों साइड ने अपने अपने तरफ से खत्म कर दिया है, क्योंकि लोगों ने एक दूसरे के ऊपर जो कुछ एलिगेशन लगाते हुए अपने इंस्टा पे स्टोरी दिया था वो सब डिलीट कर दिया। तो लगता है कि काफी हद तक इन लोगों ने ये सब सॉर्ट आउट कर लिया। वैसे आगे अगर इसके ऊपर और कुछ भी न्यूज मिलता है तो हम आपको बता देंगे। और इसके अलावा आप लोग अगर ये सब स्टोरीज पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं फेम क्लेशर के बारे में। तो फेम क्लेशर ने अपने इंस्टा पे ये स्टोरी देते हुए लिखा, आई डोंट नो व्हाई बट ये फ्री फायर के ऑडियंस को कब समझ में आएगा कि ये हेट और क्रिटिसिज्म अलग अलग होता है। तो आप लोगों ने सुन लिया कि इसके ऊपर फेम क्लेशर ने क्या कहा। और इसके अलावा फेम क्लेशर ने टीजी फौजी अजय और टोटल गेमिंग को रिप्लाई दिया। दरअसल फौजी अजय ने जो उनको इंस्टा पे लाइव आके रिप्लाई दिया उसी का ये काउंटर रिप्लाई था। और किस वजह से ये दोनों एक दूसरे को रिप्लाई दे रहे हैं ये सब आपको पहले से पता होगा। तो अभी फेम क्लेशर ने अपने वीडियो में इसके ऊपर क्या कहा था उसके ये क्लिप आप लोग देख लीजिए, और पूरा वीडियो देखना है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तारा भाई हीरो, मजाक से हटके ना, मन तो बहुत कर रहा है कि जबरदस्त सुनाऊं, क्योंकि कोई बात का तुक नहीं। हमने जय, तू मेरे को एक बात बता। मैं मुत्ता हूँ तो मेरी न्यूज बन जाती है। जय देख, मेरे को नकल का मतलब पता है पर पैरोडी का नहीं। जय देख, मैं दुनिया भर की ज्ञान चूदूंगा पर पॉइंट पे नहीं आऊंगा। अपना पिछले वीडियो के बाद एक चीज तो पता चल गया है कि लोग यहाँ पे कैसे मैनिपुलेट करते हैं। एज एक्सपेक्टेड फौजी भाई हमारे लाइव आए इंस्टाग्राम पे और लाइव पे एड किए जय वाई टी को, और उस लाइव सेशन में फौजी भाई चर्चे कर रहे हैं कोई और ही टॉपिक। अब देखो, मेरे को ना इस पे कुछ ज्यादा बोलना नहीं है, एंड अब से प्लीज एक्सपेक्ट मत करना मेरे साइड से कुछ ऐसे कंट्रोवर्सीज पे रिप्लाई का। तो कृपया करके वैसे कंटेंट एक्सपेक्ट मत करना। और एक और चीज, बस अपन का एक क्वेश्चन है, अच्छू भाई अगर फौजी भाई ने कुछ गलत बोला ही नहीं तो तुमने स्ट्रीम प्राइवेट क्यों किया? अगला न्यूज है पहाड़ी गेमिंग के बारे में। तो अभी पहाड़ी गेमिंग ने भी फेक सुपर चैट देने वाले लोगों के ऊपर क्या कुछ कहा था सुन लीजिए। भाई यार क्यों अपने पैसे वेस्ट कर रहा है तुम लोग फालतू सुपर चैट देख के? अरे रिफंड हो जाता है दोस्त, क्या तुम भी तुझे क्या लग रहा तुझे दे रहे हैं, पागल है क्या? अरे नहीं यार, मेरे को क्यों यार वो कर रहे हैं भाई, यहाँ मत भेजो यार, मेरे को दिक्कत हो जाती है यार, मेरे को दिक्कत हो जाएगी बाद में, मेरे चैनल को दिक्कत हो जाएगी, तुम ऐसे मत भेजो भाई, क्यों बकचोदी कर रहे हो फालतू सुपर चैट भेज के भाई। मेरे को ये समझ नहीं आता, ये जो सुपर चैट देके बोलते हैं मेरे चैनल को देख लो जाके, और भाई चांस एक दिन इनका चैनल ऐसे कर करके भी 4-5 लाख पहुंच गया, उसके बाद इनकी क्या वैल्यू रह जाएगी? सर बोल रहे हैं कि उसके बाद क्या वैल्यू रहेगी इनकी, तो इसलिए कर रहे हैं क्या चैनल बेच दे? सही धंधा है, धंधा है ब्रो, हर चीज में धंधा है, स्कैम चल रहा है इनसे, हर चीज में स्कैम है। मेरा लाइव चला गया और नेट चला गया, ज्यादातर को स्कैम। और इसके साथ ही पहाड़ी गेमिंग ने अपने स्नाइपर वीडियो के ऊपर बात करते हुए ये कहा कि ये वीडियो कब और कहां पे आएगा, तो आप लोग उनका ये क्लिप देख लीजिए। स्नाइपर की न्यू वीडियो कल आ रही, कल नहीं गाइस परसों आ रही है, भाई कल तो डांस करने जा रहे ना, कल तो डांस वांस करेंगे, परसों पक्का है, परसों तुम लोगों को 130 पे वीडियो मिल जाएगी पहाड़ी गेमर वाले चैनल पे, तो सभी बनते देखने आ जाना। और इसके अलावा स्वा मुंबई पे गए हैं और इसके साथ ही उन्होंने अपने इंस्टा पे डाउनटेक गेमर को टैग करते हुए लिखा, भाई रेडी हूँ मचाने के लिए साथ में। तो ये सब देख के ये लगता है कि शायद ये दोनों एक साथ कोई वीडियो ला सकता है। और इसके अलावा कुछ दिनों से जोंटी गेमिंग के लाइव स्ट्रीम के दौरान नेट इशू काफी ज्यादा होता है, तो अभी इसी के ऊपर उन्होंने अपने इंस्टा पे माफी मांगते हुए ये स्टोरी शेयर किया। और गाइस हमारे सेकंड चैनल एआरजी ब्लॉग में रेगुलर फनी शॉर्ट वीडियो आता है, और इस वैलेंटाइन वीक में इसमें और भी काफी सारा फनी वीडियो आने वाला है, तो आप लोग अगर इन वीडियोस को जाके देखना चाहते हैं तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और इसके अलावा अभी तक आप लोगों ने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर दबाना। तो तब तक के लिए बाय।